क्योंकि यार हम ओनर भी आ गए, हम ओनर बन गए, हम ओनर है, ओनर वो ही आज बन गया। अरे उनकी मत तो नहीं, मत तो क्या, मत तो क्या। अरे मैं लोड होते जा रहा गेम। ओ आई आवाज, बंदा लूट गया एक टीम ने। आप की आईएल, आईएल की फाइट हो जाती है उनके साथ। अच्छा मुझे कोई किक कर डिस्कॉर्ड से। अच्छा डिस्कनेक्ट हो जा रहा हूँ। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं, सॉरी माइक का साउंड ग्लिच हो गया था, एक्सट्रीमली सॉरी। तो जो भी आज टीटू मैच हो गया, थैंक यू टू हर एक बंदे को ज्वाइन होने के लिए स्ट्रीम में। तो पहले ग्लिच हो गया था, मैंने सोचा डिस्कॉर्ड में जो भी बंदे इफेक्टेड कर रहा है तो भाई उसी से मैं कॉमेंट्री कर लेने का कोशिश कर रहा था, लेकिन भाई चलो फाइनली आ चुके हैं। और अभी ये पहली मैच है, मीरामार मैच, और आज भाई टीटू का एक ही ग्रुप है, चार मैच खेलेगा। तो देखते हैं चार मैच में कौन सी स्क्वाड ज़्यादा पॉइंट और चिकन डिनर के साथ जाते हैं। तो टीम फोर और टीम फाइव बहुत ही करीब है, हर एक स्क्वाड का बात करता। और यहीं पे जोन का शिफ्टिंग बहुत ही बड़े तरीके से वाटर टर्मिनल के साइड, और यहीं पे पस्तू बहुत ही बड़े तरीके से भाई पिस्टल के मन से बंदे को डाउन करते। तो टीम फोर के साथ अभी फाइट होते हुए टीम 24, तो टीम फोर अभी रश करते हुए फिलहाल टीम 22 के स्क्वाड के ऊपर। तो टीम 22 के एक बंदे फिलहाल खो चुके हैं, लेकिन यहीं पे टेन एफ गॉट अभी बहुत ही दिक्कत में फंस चुकी है, हाथ में है फिलहाल यू एम बी लेवल 2 का हेलमेट। और तो और एक गाइस बात, मेरा तबीयत पे बहुत ही ख़राब है, इसलिए बातें करना बहुत दिक्कत हो रही है, गले में बहुत दर्द है। लेकिन ये पे टीम फोर का चारों बंद, तीनों बंदे जा चुके हैं। लेकिन ये पे टीम 20 का बात करूँ तो एक बंदा पीछे से आता है, लेकिन ये पे टीम फोर का भी बंदा क्या स्पॉट कर पाएगा फ्रैगी यार। लेकिन ये पे गॉड का बात करूँ तो हाई रिच का एडवांटेज लेते हुए बंदे अभी फिलहाल उसके टीममेट को कवर देने का कोशिश। तो ये पे बहुत ही बड़े तो डी आई है ना, तो हाँ ब्रो। और ये पीज नर्वस का बात करूँ तो M16A4 की मदद से बंदे को डाउन करते हैं, लेकिन टू क्या कवर दे पाएगा उसके टीममेट को। लेकिन ये टीम फोर बंदे कुछ और यहीं पे हिट मैन को बॉडी बॉडी की मदद से डाउन कर चुके, लेकिन भाई उजी के इस्तेमाल करते डाउन करते हैं। लेकिन ये फ्रैगो पीछे से आते हैं, लेकिन यहीं पे फ्रैगो के साथ और ये रिसेंट बहुत ही बड़े तरीके से स्लेयर को डाउन करते हुए एयरगन की मदद से फिलहाल अभी लेकिन टीम फोर का एक एक बंदे करके फिनिश कर रहे हैं। और यहीं पे दो बंदे डाउन हो चुकी है, एक फिनिश कर चुका है और अभी रिवाइव हो चुका है। और यहीं पे टीम फोर बहुत ही बड़े तरीके से खेलते हुए टीम टू के आमना सामना करते हुए। लेकिन यहीं पे टीम टू का बात करूँ, 22 का बात करूँ, तो यहीं पर फिलहाल अभी बंदे दो रिवाइव हो चुके हैं, फिलहाल एक बंदे खो चुके। अच्छा डिस्कॉर्ड में काफ़ी शुक्रिया, डिस्कॉर्ड में मैं उन लोगों को ओनर्स बेसिस में शिफ्ट कर दिया था। बहुत ही बड़े तरीके से टीम फोर रश कर चुके हैं, स्मोक और यहाँ पे टीम फोर पूरी तरीके से एलिमिनेट होते हुए टीम 22 के हाथों से। तो और कहाँ पर फाइट हो रहे हैं, बहुत ही इंस्टेंट फाइट, फिक्स नर्वस बहुत ही बड़े तरीके से। M16A4 के बंदे को डाउन कर चुके हैं, माइक का वॉइस थोड़ा हाई करो। और अभी टीम 14 के पास जाते हैं, तो भाई हाई करने से मेरा गला बहुत ही दुख रहा है, इसलिए थोड़ा धीमी बात करूँ। और यहीं पे टीम 4 के साथ अभी फिलहाल टीम 7 का फाइट होते हैं। तो टीम 14 अभी हमने सामना करते हैं, हर एक स्क्वाड के बंदे का एच भी बहुत ही ज़्यादा कम है, और टीम 14 का बात करते एक बंदे का एच भी बहुत ही ज़्यादा कम है। जितना इंस्टेंट हो सके खुद को हील करना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन लगता है इनके पास कोई हीलिंग वगैरह है नहीं। हाँ मैंने जैसा बोला था, तो बंदे के पास है स्नैंकर के पास है अभी विन 98 फिलहाल। तो देखते क्या ही फाइट होने वाला है, और टीम 7 बहुत करीब है, और ये विन 98 से सिंगल शॉट कनेक्ट करने का कोशिश। लेकिन यहीं पे
चलो कनेक्ट तो नहीं हुआ, तो कनेक्ट होता तो भाई हिट शॉट लगाने का कोशिश, एक भी गोली कनेक्ट होता तो भाई डाउन करने का कोशिश, लेकिन उसका टीममेट आके उसको मेडिकेट दे चुके और उसको अभी खुद को हील भी कर चुके, लेकिन ये भी क्या पीएस को डाउन कर पाएगा, TGW या TGW पीएस को डाउन कर पाता है, कौन किसको डाउन करते है वो देख लेते, लेकिन यही पे दोनों स्क्वाड रोकने का, लेकिन यही पे पीएस के पास बहुत ही बेहतरीन शॉट्स आते हुए TGW स्टैंकर के ऊपर फिर से बंदे 20 HP हो चुके, और भी एक गोली आके कनेक्ट हुआ तो भाई बंदे डाउन भी हो सकता है, तो पीएस के पास थोड़ा जाके देख लेते। तो इन लोगों के पास फिलहाल किया क्या है, तो अच्छा खासा लगता है इन लोगों के पास लूट नहीं, इसलिए पीछे थोड़ा फॉल बैक करते फिलहाल देख रहे हैं, और ये पीएस क्रैकन बहुत ही बड़े तरीके से बंदे को डाउन करते, तो पीएस क्रैकन को पास जाते तो बंदे ने अभी डाउन कर चुके टीम 18 वर्सेस और टीम 11 का, और टीम 11 का बात को तो बहुत ही बड़े तरीके से खेलते हैं, टीम 11 का बंदा फिर से डाउन कर चुके, लेकिन यहीं पे भाई इतना ही ग्लिच किया ही बताऊं तो, और यहीं पे टीम 11 भाई पूरी तरीके से दूसरी पोजीशन में जो एलिमिनेट हो चुकी है टीम 18 के पास से, तो टीम 18 का फिलहाल एक बंदा डाउन है और वो रिवाइव हो जाएगा, तो टीम 18 का बात को तो भाई किल भी मिल चुके, तो अभी दो स्क्वाड एलिमिनेट पूरी तरीके से हो चुके टीम 11 और टीम 4। तो हर एक स्क्वाड के पास से थोड़ा जाके देख लेते, तो टीम 5 तो अभी व्हीकल से लेके पहला सर्कल का जोन स्टार्ट हो चुकी है, और रोटेशन डालना भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो जैसा है तो रोटेशन स्टार्ट कर चुके टीम 5 रोट, अलग अलग व्हीकल से लेके अलग अलग स्ट्रेटजी स्टार्ट कर चुके, और अभी टीम 6 का बात होता अभी थोड़ा लूटने के बाद भाई इन लोग फाइट लेने का कोशिश करेगा, अभी लूट ठीक ठाक से लगता है नहीं हुआ इसलिए लूट कर रहे हैं, और असत्थमा के पास है M4 और इसके से क्या, भाई मेरा तबीयत इतना खराब है क्या ही बताओ। अभी टीम 7 का बात को तो बनन के पास है AKM और रोजी, स्लेयर के पास क्या देखे, स्लेयर के पास फिलहाल AKM है, ओ टीममेट को पिकअप करने का पिकअप करने के लिए जा रहा है, अलग अलग व्हीकल्स दो व्हीकल्स मिल चुके हैं इन लोगों को, एक तो जितना जल्दी हो सके इस व्हीकल से लेकर रोटेशन डालना स्टार्ट कर देगा, और जेक स्क्वाड के पास आ चुके, तो गाइस और एक बात भाई आप T2 खेलो या T3 खेलो, पहला आपका टीममेट के पहले नाम पे भाई आप लोगों का क्लैन टैग रहेगा ना भाई, जब आप फाइट लोगे हमें आपको स्पेक्टेट करने में बहुत आसान हो जाएगा, ढूंढने नहीं पड़ेगा कहाँ गया अरे बंदा कहाँ गया, जब क्लैन टैग रहेगा ना भाई कोई भी टूर्नामेंट खेलो T2 T3 T1 जो भी खेलो भाई, ढूंढने में जब आप फाइल लोगे इंस्टेंट हम लोग दिखाने का कोशिश करेंगे, तो भाई बहुत दिक्कत होती है, और ये टीम 9 के पास आ चुके, तो भाई इतने ग्लिच किया ही तो बंदे व्हीकल्स लेके जा रहा है, तो भाई देखो व्हीकल्स, ओ नहीं नहीं बंदे व्हीकल्स के अंदर ही बैठा है, तो टीम 9 अभी फिलहाल लूटने का तैयारी में, और इनको M4 Kar98 3X भाई मिल चुके भाई, दोनों के पास Kar98 है भाई, मिनी वो मिनी विथ 8X, चलो बड़े लूटर फिर टीम 9 के पास। तो टीम 10 के बात करो तो टीम 10 अभी जोन का डैमेज लेते हुए सर्कल में व्हीकल से लेकर रोटेशन स्टार्ट कर चुका है, पहला जोन का डैमेज ज़्यादा नहीं है लेकिन जितने भी है एंडिंग फाइट में भाई हर एक बंदे को हीलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट कवर, और ये भी वेनो ने बहुत ही बड़े तरीके से Kar98 का हेड शॉट देते हुए बंदे को डाउन कर चुके, तो ये भी वेनो के कैमरा में थोड़ा जाकर देखता हूँ, तो टीम 19 के साथ टीम 70 का फाइट होते हुए फिलहाल तो यहीं पे टीम 70 का बंदा अभी डाउन है, और लगता है व्हीकल से लेके रस करने वाला है, और तो भाई हाँ फाइनली रस करता है या रिवाइव हो जाएगा, इसलिए फिर से और एक डाउन करने का कोशिश, और Kar98 में 8X लगा के स्पॉट करने का कोशिश, थोड़ा भी हेट या कोई भी पीक दिखे तो भाई इंस्टेंट डाउन करेगा और रस, तो टीम 70 का जो बंदा है HP डाउन हो चुकी थी, और फिर से Kar98 का शॉट कनेक्ट करने का कोशिश, और ये IHP रिवाइव बहुत ही आराम से हो चुकी है फिलहाल, तो टीम एलेक्स मार्सी का बात करो तो पीछे अभी इनके पास M4 और AKM, इन लोगों के पास M24, अभी तो M24 का शॉट लिया था,
ओ M24 में 6x है। अच्छा स्नाइपर वर्सेस स्नाइपर हो रहा है फिलहाल, बहुत ही बढ़िया है भाई। लेकिन इन लोगों का व्हीकल्स ब्लास्ट कर दिया भाई। तो टीम 70 का बंदा का बात करो तो भाई बहुत ही ओपन में फिलहाल। बहुत ही ज्यादा ओपन से भाई रोटेशन कर रहे हैं क्योंकि भाई उन लोगों का पास व्हीकल्स नहीं है। तो टीम 70 के कैमरे में जाके देख लेते। और अभी दूसरा सर्कल बन चुके हैं भाई, बहुत ही दूर है, 1300 समथिंग मीटर, बहुत ही दूर है। और ये पे कोबरा ऑन टॉप भाई, हाई रिच का एडवांटेज से पढ़ के भाई खुद ही नॉक हो चुकी है। तो टीम 70 का बात करते तो जल्दी रोटेशन ऑन फुट अभी दे रहा है, लेकिन यहीं पे टीम 14 या टीम 16 कोई भी स्क्वाड आ जाएगा तो टीम 70 को अभी दिक्कत हो सकती है क्योंकि भाई ऑन फुट एक स्क्वाड अभी फिलहाल सर्कल के अंदर रोटेशन डाल रही है, बहुत ही दिक्कत हो सकती है भाई। तो टीम 12 के बहुत करीब है टीम 9, तो इन दोनों का क्या फाइट हो रही है या नहीं थोड़ा देख लेते भाई, इतना तबीयत खराब है क्या ही बताओ। ये बंदा लगता है ऑफलाइन चला गया। तो टीम 13 अभी तीनों बंदे अलग अलग व्हीकल्स लेके भाई रोटेशन डाल चुके, लेकिन यहीं पे लगता है सैन मार्टिन में जाके टीम 13 और टीम 10 ज्वाइन होगा। लेकिन यहीं पे टीम 20 और 14, टीम 20 के पास व्हीकल्स होगा तो कोई दिक्कत नहीं, रोटेशन लॉन्ग रोटेशन डाल सकते। लेकिन यहीं पे टीम 14 इन लोग भी अभी ऑन फुट फिलहाल जाते हुए दिख रहे, लेकिन यहीं पे टीम 13 और टीम 10 का आमना सामना कर सकते हैं। और अभी टीम 12 का बात करो तो बहुत ही करीब है, इनफॉन्ट है टीम 8 अभी सर्कल के, इनमें इन स्क्वाड बैठा है, कोई भी स्क्वाड सर्कल के बाहर से आएगा तो भाई दिक्कत हो सकती है देने के लिए बैठा है। तो टीम 9 का एक बंदा भी ऑफलाइन है के बैठा है, लेकिन यहीं पे टीम 8 के कैमरा से थोड़ा देख लेते हो बंदी क्या ही कर रहा है। और ये टीम 8 के ऊपर शॉट्स आते हुए व्हीकल्स ब्लास्ट करने का कोशिश, और दो तीन गोली जाके टीम 8 के बंदे को कनेक्ट हो चुके हैं, लेकिन ये टीम 8 क्या रोक रख के पाएगा। और ये व्हीकल्स को फाइनली ब्लास्ट कर चुके हैं टीम 12। तो टीम 12 बहुत करीब आ चुका और स्पॉट कर चुके हैं स्कारल में 3x लगा के डाउन करने के बंदे को कोशिश। और ये पे स्लेयर के ने बहुत ही बड़े तरीके से स्कारल के मुंह से बंदे को डाउन कर चुका है। और अभी टीम 70 वर्सेस टीम 13 का फाइट होता है, लेकिन ये भी टीम 70 का बात करते हैं डाउन है और अभी इसको फिनिश करने का पूरी तरीके से कोशिश। तो टीम 13 का बात करते तो उनकी टीममेट को कवर दे पाएगा या नहीं, और स्मोक कर चुकी है तो, लेकिन टीम 70 के पास 100 M24 है। और यहीं पे JFX 30-60 FPS OP बहुत बड़े तरीके से इनपुट के जल्द देखते हुए बंदे को डाउन कर चुके हैं। लेकिन टीम 13 का बात बंदे ने अभी रिवाइव देते। और एक सूर्य अभी का बात को तो ग्रेनाइट के मदद
से बंदे दो किल ले चुके हैं बहुत ही बड़े तरीके से, लेकिन ये पे टीम था, टीम का बंदा पीछे से आते हुआ और ये पे क्विकर बहुत ही बड़े तरीके से एम्बर की वजह से बंदे को डाउन कर चुका और वो इनफा ऊपर बहुत ही एडवांटेज लेते हुए टीम थर्टीन का बंदा फिर से उजी के स्टोन करते टीम थर्टीन का बंदे डाउन, एक बंदे को नॉक फिनिश इंस्टेंट कर चुके और अभी एक बंदे तो टीम थर्टीन को अभी पीछे फॉल बैक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि भाई पोजीशन और किल पॉइंट बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करती है एक स्क्वाड को आगे ले जाने के लिए। तो अभी टीम थर्टीन का दो बंदे खो चुके टीम सेवेंटी के हाथों से, बहुत ही अच्छे रोटेशन दो बंदे दिया था लेकिन यहीं पर कवर फायर सब कुछ नहीं मिले के वजह से यहीं पर टीम थर्टीन का दो बंदे खो चुके और पे सूर्य अफ्री का बात करते हैं की मदद से गायरो में इनके डाउन कर चुके लेकिन पे टीम सेवेंटी का दो बंदे बहुत करीब आते हुए और पे टीम थर्टीन पीछे फॉलो कर चुके बग्गी लेके लेकिन पे टीम सेवेंटी उसके ऊपर फिर से एम्पोर का स्प्रे देने का कोशिश और अभी टीम थर्टीन बहुत ही नजरों से बहुत ही दूर जा चुके और अभी जेफेक्स का बंदा फिर से 120 एपीएस बहुत ही बड़े तरीके से एम्पोर की मदद से बंदे को डाउन कर चुके और पे नॉक फिनिश करने का कोशिश। मैं माइक बंद कर मेरा बहुत गलत हो गया
आप डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लो, जनरल पीसी में ज्वाइन होने के बाद आप किसी को जाकर पूछ सकते हो, सब कुछ इन्फॉर्मेशन बोल देगा। मेरा आपका कॉमेंट को मैं बंद कर रहा हूँ इसलिए भाई, मेरा गला तबीयत बहुत ही खराब है, मेरा गला बहुत दुख रहा है इसलिए, और मेरा एग्जाम है इसलिए मैं कॉमेंट नहीं कर रहा हूँ।
कहीं पे पीच स्क्वाड का बात करो तो 15 किल है फिलहाल, बहुत ही बढ़िया खेला इन स्क्वाड ने। और TGW का भी 1 किल के साथ, AMX थॉर YT का 4 किल के साथ बहुत ही बढ़िया खेला। ग्रीम प्रिया ओपी जीरो के स्क्वाड का 0 किल है फिलहाल। नी ग्रीम अच्छा JX120 APS 6 4 10 12 किल के साथ इन स्क्वाड भी बहुत बढ़िया खेला, 3 बंदे ज्वाइंट हुआ था। और PH जेड गॉड का 0 किल है। R2F ट्रेंजर 12 किल है, बढ़िया। M4 ग्रीकॉन का भी 0 किल है स्क्वाड का। सूर्या केयर का भी 3 किल है। और IMN निकलेट T7 का 1 किल है। PS बनन का 0 किल है। जमेन जिस का 1 किल 2 किल है फिलहाल। टीम LX1HP 2 किल। ओके स्क्वाड का 0 किल। प्रीत प्रणीत स्क्वाड का 0 किल है। फ्रैक हिडमैन का 1 किल है। तो नेक्स्ट मैच के लिए तब तक के लिए आप लोग वेट कर लो। तो गाइस मैं कमेंट इसलिए नहीं कर पा रहा, मेरा कुछ दिन से मेरा तबीयत बहुत खराब है और बातें करते भाई मेरा गला दुख रहा है। और भाई सामने मेरा एग्जाम है, फाइनल एग्जाम, इसलिए मैं कमेंट्री नहीं कर रहा, एक्सट्रीमली सॉरी।
रही पे जेक्स 120 एपी का स्क्वाट 6, 7, 8, 9, 10 किल के साथ बहुत ही बढ़िया खेला हुई चिकन डिनर लेते हुए फिलहाल। और जेक्स मामी स्क्वाट का अभी 10 किल के साथ इन स्क्वाड भी बहुत ही बढ़िया खेला था। आर एफ एक्स ए डेंजर 3, 4, 5, 6 किल के साथ। टी जी डब्ल्यू ग्रॉट 9 किल ले लिया, 16 किल और 16 किल कतई टॉक्सिक खेला बंदे। कोबरा रेक्टर का बात करूँ तो 1 किल के साथ। अर्पित ओपी का स्क्वाट 5-6 किल के साथ बहुत ही बड़े खेला। जेनेस जेंसेस 0 किल के साथ। पीच पुसर्क 2-3 किल के साथ। फ्रैक्स लेयर का 1 किल के साथ। ट्रेल टीम एलेक्स ओवेस 0 किल के साथ। ग्रीम स्किन वाईटी 0 किल के साथ। पीएच फ्रीट 3 किल के साथ। गेमरॉय लेजेंड्स 1 किल के साथ। हाइपर एक्स डेविल 0 किल के साथ। एम4 ग्लाइकॉन 1 किल के साथ। पीएस जॉनर्थन 1 किल के साथ। तो गाइस आज का मैच यही, नेक्स्ट मैच ही रंगल, तब तक के लिए गाइस आप लोग वेट कर लो। Thank you.
गाइस फिर से रंगल मैच खत्म हो गया तो पीच का स्क्वाड बहुत ही बड़े के लिए तो इसे ले लेता हूं गाइस किक करके पहले पीच नर्वस का क्वाड 17 किल ओ भाई साहब ग्रीम प्रिया ओपी का स्क्वाड 3 किल और सूर्या केयर का 3-4-5 किल है पीच पुष्कर का 5 किल है इम निकलेट का 2 किल है ओपी न्यूक्लियर का 0 किल अच्छा पहले नाम बोल देता हूँ उसके बाद एसएस ले लेता हूँ कोबरा निंजा का 0 किल है अच्छा जेएक्स सूर्या ओपी का भी स्क्वाड का 0 किल है जेएस जेनेसिस का 5 किल है टीम एलेक्स फ्रीजेंस 4-5 किल है जिसका भी स्क्वाड का किल लिया भाई 5 ज़्यादा कि 5 ही किल लिया ज़्यादा नहीं बहुत स्क्वाड बहुत ही बढ़िया किया हर एक स्क्वाड अच्छा परफॉर्मेंस देने का कोशिश किया था इफ 4F जेफ्रिक्स ओपी का स्क्वाड 0 किल के साथ ग्रूमिंग एजेंट एक ही बंदे ज्वाइन हुआ या दो बंदे ज्वाइन हुआ था अच्छा पी एच डेमोन का स्क्वाड 4-5 किल है हाइपर एक्स अल्ट्रास का स्क्वाड 1 किल है टी जी डब्ल्यू बाप का 1 किल है तो चलो मैं इसी से ले लेता भाई मेरा तबीयत बहुत ही खराब है बातें कर ही नहीं जा रहा भाई क्या ही बताओ तो नेक्स्ट सैनक मैच है लास्ट आज T2 का मैच तो भाई इसके बाद परमानेंट होगा डेली होगा और देखते क्या ही होते हैं रात 9 बजे या 10 बजे ऐसा ही रहेगा कुछ चलो नेक्स्ट मैच के लिए रोमन के तब तक के लिए ब्रेक लो